हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आयशा। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आ गई हूँ मैं आज एक और न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग के साथ में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इरफान क्या काम करते हैं। ज़्यादातर वो बाहर ही रहते हैं, घर या मुंबई का काम कम होता है, बाहर का काम ज़्यादा होता है उनका। तो गाइस, हमेशा की तरह इस बार फिर इरफान गए हैं। कहाँ गए हैं इरफान? गए हैं जलगांव काम करने के लिए। तो वहाँ का वो ब्लॉग शूट करे हैं, मुझे भेजे हैं, मैं आपको बताती हूँ, चले साथ में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग ढाबे पे पहुँच गए हैं। ये ढाबा है, ये हमारी बस है वाइट वाली। भूख बहुत जोर लगी थी, बस कल सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे। खाने के बाद चाय पीने का कुछ मज़ा है। ये बस है, ये शायद हम लोग नासिक के पास आस पास पहुँचे हैं। यहाँ हल्की हल्की ठंडी है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इरफान ढाबे पे उतरे, थोड़ा खाना वाना खाने के लिए, भूख लगी थी बहुत तेज़ उनको, तो खाना वाना खा लिया। और आज सुबह मॉर्निंग में इरफान अपनी लोकेशन पे पहुँच गए हैं। अब देखते हैं वहाँ पे क्या कर रहे हो। देखो कितना बड़ा मांडा रोटी। ये हम लोग मांडा रोट के हमारे साहिद भाई है, हमारे जाने मान चहेते दोस्त। ये है, तू तो दिख ही नहीं रहे रे, थोड़ा इस तरह आप ठीक है। ये सालन है मांडवे का। ये मैं सालन का टेस्ट किया था। साहिद भाई बताओ जरा कैसा है। हाय जकर, गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। मांडवा मांडवे मांडा पहले हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारा कंप्रेसर है, ये हम लोग कंप्रेसर रिप्लेस करेंगे, एक दो और तीन का हमारा इशू है। जैसे कि आप लोग को मैंने बता दी कि इरफान क्या काम करते हैं। इरफान का काम है ज़्यादातर हॉस्पिटल का रहता है काम। हॉस्पिटल में जो आईसीयू वाला रूम होता है ना, उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उसको वो बनाते हैं, या कुछ रहता है बिगड़ता है तो वो करते हैं। और इरफान कंपनी में काम कर रहे हैं, लोकल काम नहीं कर रहे हैं, वो कंपनी में काम करते हैं। तो कंपनी के थ्रू उनको बाहर भेजा जाता है, वैसा वो जाते हैं। ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।